मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ YouTube के बारे में। YouTube में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेट एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? आपका जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो 3 बार जेल जाने के बावजूद भी इंडिया का नंबर वन एजुकेटर और यूट्यूबर बन गया है, और उनका नाम है खान सर। तो खान सर ने अपना चैनल बनाया था 2019 में, है ना, और जिसमें केवल 1 महीने के अंदर, मात्र 1 मंथ के अंदर जो है 10 लाख सब्सक्राइबर जुड़ गए थे। और इतना तेज जो है, इतनी तेज प्रोग्रेस किसी भी यूट्यूबर की अभी तक नहीं हुई है। 2020 में YouTube ने जो है टॉप 10 क्रिएटर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें खान सर की रैंकिंग जो थी 8th नंबर की थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि खान सर का रियल नेम क्या है। वैसे वो कभी बताते नहीं हैं, बहुत सारे शो में भी गए हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं अपना रियल नेम क्या है। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको उनका रियल नेम क्या है, लेकिन तब तक पहले उनका वीडियो देख लेते हैं। इनके नाम पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज़ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप, बहुत बड़ा टीचर हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि खान सर का नाम अमित सिंह है, है ना, तो इस पे खान सर क्या कहते हैं जरा देख लेते हैं। है कि मेरे नाम को लेके कि मेरा नाम अमित सिंह है, खान सर ना अमित सिंह है, लोगों ने ट्रेन करा दिया कि ये इसका नाम क्या चीज़ है। अरे नाम में कुछ नहीं छुपा हुआ है। देखिए हमने एक वीडियोस में हंसी मजाक में ऐसा एक वीडियो देखेंगे, लड़कों को कभी कभी हंसी मजाक में क्या होता है, लड़के पूछने लगते हैं सर नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए। तो हंसी मजाक में आदमी कभी बोल देता है जालिम खान, कभी कुछ खान। तो इसी में हमने बोल दिया था ना, मुझे अमित सिंह के नाम से भी बुलाया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बुलाया जाने का मतलब क्या है, वो लड़के इतने जीत करने लगते हैं क्लास में, हो हो आप सुने होंगे उसमें हल्ला बहुत ज्यादा होता है। अब लड़के मानते नहीं है, कहते नहीं सर आप तो बोलते कि जालिम खान भी हमें बुलाया जाता है, जहरुद्दीन भी बुलाया जाता है, आप ऐसे क्यों किए। तो हमने उसमें बोल दिया कि लड़कों को चुप कराने के लिए बकला कर, हमको बैंक में भी यही बुलाया जाता है। हमने ये नहीं बोला कि मेरा नाम बैंक में यही है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कहकर बुलाते हैं। ऐसे बोलती है कि लड़का सब समझ जाए सर मुझे बैंक में भी यही बुलाया जाता है। और अब देखिए कोई अपना नाम ऐसे हंस हंस के बताएगा, वो तो ऐसे हंसी मजाक पीछे हिस्ट्री टेस्ट ले रहे थे। उसी हंसी मजाक के वीडियो में हमने एक स्क्रीन शॉट लिया था, एक लड़के ने कमेंट किया नाम है कुमार आशीष, इन्होंने कहा कि जो वीडियो अमित सिंह वाले क्लिप है उस दिन मैं भी क्लास किया था, उस दिन खान सर बस ऐसे ही सारे स्टूडेंट से हंसी मजाक करके ये सब बता रहे थे, जब स्टूडेंट ने उनसे नाम जानने पर जोर देने लगे। अरे यार इधर देखो ना, उसमें हम ये भी बोले मेरा नाम खान सर नहीं है। अब देख लेते हैं कि खान सर अपना नाम क्यों नहीं बताते हैं, वो रीजन बताएंगे अपना कि वो इसलिए अपना नाम नहीं बताते हैं। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं
नहीं बताते हैं कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे, इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या। और हम अगर आप प्यार से पूछते, हम खुद सोचे थे दो चार दिन में बता देते, लेकिन इतना कंट्रोवर्सी हो गया कि अगर अब बताएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि खान सर डर गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हम छुपेंगे। हाँ, रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए। देखिए फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैजल खान, मन्नान खान। कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए। तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से, कि हमको फोन लगाए, उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज है ये, यहाँ पे इतने आराम से कैसे हमें बताएंगे। हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। हम कभी भी खुल के ये नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको। जैसे आपने देख लिया कि खान सर को बहुत सारी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है अपने नाम की वजह से, तो एक्चुअल में उनका असली नाम जो है वो है फैजल खान। ये किसी ने बताया कि उनका असली नाम क्या है, फैजल खान, और इस नाम से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो उनकी जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं अभी तक उनके साथ, वो खुद ही बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, तो भी देख लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। लोग उसके पहले का 10 मिनट और बाद का 10 मिनट देखिए, पूरा हो जाएगा। इवन जो आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए दिखा रहा है, वो भी आपको पहले और बाद का नहीं दिखाएगा। उसको पता है कि जस्ट यहीं से काट, यहीं तो मेन मजा है। बात समझिए, आधा जो सच होता है ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक ये लड़का मेरे यहाँ आया क्लास में, बेचारा कह रहा है कि गरीब है, यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना है। हमने इसको कहा क्लास के बाद में आना, इसने लिख दिया भागता है कि नहीं तुम, लिखता है देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए। मिलियंस लोगों ने से देख लिया, हमने छोड़ दिया, इसको स्ट्राइक नहीं देते कि बेचारा गरीब है, इसका भी चैनल आगे बढ़ जाए, अच्छा ना है। लेकिन अगर कोई ये देखेगा तो क्या कहेगा कि खान सर बहुत ज्यादा घमंडी है। ऐसे YouTube पर फेक न्यूज़ बहुत ज्यादा आते हैं सर। आप देखिए ये लिख रहा है सेक्स वीडियो का डिलीट होने से पहले देखिए, बताइए इसके पीछे उल्टा सीधा टिकटॉक का गाना बजा रहा था। हमको अब कोई देखेगा तो यही सोचेगा यहां देखिए ये किस कर रहा है किसी को। अब ये वीडियो मिलियंस तक में लोग इसको देखे हुए हैं। यहां पे देखिए ये क्या लिखता है भाई, खान सर की गर्लफ्रेंड, पुरानी वाली नई वाली, ये बताइए ये बदनामी ना कर रहा है यहां पर। ये देखिए क्या करा, खान सर की शादी हो गई, रे भैया हम यहाँ कुंवार बैठल है, इन्हें शादी भी आ करा दिया। अब हम मेरी मम्मी एक बार डर गई, हमको वीडियो कॉल करने लगी, कहाँ हो बेटा कहाँ हो। हम क्लास में रहते हैं तो अमूमन मोबाइल ऑफ या साइलेंट रहता है, तो स्टाफ से कहें कि जल्दी सर को वीडियो कॉल पे दिखाओ। हम देखे मम्मी से पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक वीडियो देखे थे खान सर की मौत, गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा। अरे भैया हम जिंदा हैं, उल्टा सीधा ये हम नहीं बनाते हैं, ये इस तरह से बना दिया जाता है। बताइए हम जिंदा हमको मर दे, हम किसको किसको सफाई देते फिरेंगे यहाँ पर। एक इतना बड़ा कमीना आदमी था, हम एक वीडियो में बता रहे थे कि देखिए इंसानियत रहनी चाहिए, सीता माँ जो थी वो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज हम लोग अपने यहाँ बहन हमारी ये लोग उतनी सुरक्षित नहीं, इसका मतलब हम लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था, तो ये वो क्या लिखता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर देवी देवताओं का क्यों हो रहा है मजाक खान सर। हम क्यों मजाक करेंगे भैया, अब कहता है कि लो कुछ राम जी का नहीं, ये बताइए ये हमने नहीं बोला। अब इस पर कोई लोग बवाल कर तो कम से कम वो पढ़े लिखे लोग, वो समझते हैं कि एक दूसरा आदमी है कुछ कुछ कर देता है। यार हम कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे, इनका एक वायरल कर दिया पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच, अब देखिए पूरा सच, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है। कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आपसे ज्यादा लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये फेक न्यूज में आप लोग भी पड़ गए हैं, क्लिप काट काट के। यहाँ पढ़िए, एंटी मोदी एंटी हिंदू रिवील खान सर एक्सपोज। बताइए हम एंटी मोदी हो गए एंटी हिंदू हो गए, हमारा क्या मतलब है भैया। मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा ही भी बोलते हैं, गलत करेंगे तो गलत भी बोल देंगे। यहाँ पे खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया। लो भैया हामिद अंसारी के साथ, मैं राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो लगा दी, हम क्या करेंगे। ये देखो अब कुछ कहते हैं, मदरसा छाप जाहिल खान सर, हमारा मदरसा छाप जाहिल बोलता है।
खुद ही हो गया एक्सपोज। 26-27 मिनट का वीडियो, ये लोग के कमाने का रास्ता है खान सर। खान सर को गाली दो, जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद दो कि गिर जाए। ये देखिए उल्टा सीधा फोटो लगा रहा है, नाइट फॉल्ट, शीघ्र पतन, यही सब हम बताएंगे। या आ जाओ यहाँ पे, ये क्लासेज जब चलते हैं, बायोलॉजी का हो गया या किसी चीज का क्लासेज हो गया, उसमें हर चीजें रहती है, उसमें से आधा काट काट के दिखाइए उल्टा सीधा, कोई मदद। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें यूट्यूब पे फैलाई हैं, तो वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक कंट्रोवर्सी हुई है मुसलमानों के लिए, उन्होंने बोला कि मुसलमान पंचर छाप होते हैं, ये कंट्रोवर्सी भी चली है। तो इस बारे में मतलब इस पे कितना ज्यादा सच है झूठ है ये आप देखिए, इस पे उनका खुद जस्टिफिकेशन देखिए। जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के रैली में, बेचारा इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा है बेचारा, ये है क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होंगे सर, तो कोने काम आएगा सर, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी चैनल को चलाने के लिए। अब इन कंट्रोवर्सी से खान सर इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बिल्कुल ही इमोशनल हो गए, है ना। जब वो वीडियो बनाया उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और YouTube छोड़ने तक की बात करने लग गए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे वीडियो में वो किस तरह की बातें बता रहे हैं। सब आपके संतान हैं, उन्होंने ये वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो बना रखा है। हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा, किसी को इतना भी परेशान मत करो यार, इंसान जो है डिप्रेशन में ही चला जाए। इतनी मुश्किल से बनवास का, देखो कितना कितने बुरी तरह से परेशान है खान सर, इतने सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद। उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब YouTube से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों को। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे, लेकिन हाँ तुम साथ हो। तो आपने सुन लिया होगा कि वो कितने ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अब हम देख लेते हैं कि उनका सपना क्या था, मतलब वो क्या बनना चाहते थे, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1992 में हो गया था और इन्होंने NDA का एग्जाम क्लियर कर दिया था, लेकिन वो मेडिकल से बाहर हो गए थे। इनका जो बड़ा भाई है वो इंडियन आर्मी में है और पापा इंडियन आर्मी में थे पहले, इसलिए घर का जो माहौल था वो पूरा का पूरा जो है देशभक्ति भक्ति वाला माहौल था वहाँ पे, इसलिए ये भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन ये मेडिकल अनफिट हो गए थे, मेडिकली अनफिट हो गए थे, तो इसलिए ये जा नहीं पाए। तो इन्हीं के मुंह से सुनिए क्या कहते हैं। ज्वाइन नहीं कर पाए, मेरा हाथ ये अजीब डिजाइन का, मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे तो जो NCC में गए थे तो कर्नल साहब थे हम लोग के, उस समय जो कर्नल थे कर्नल उदय सिंह राठौर हम लोग के CO साहब थे वहाँ पे, वो बुलाए करेगा क्या तू आगे, आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में वो NDA वगैरह जाना था तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें, और ऐसे चीज़ में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता। अब इनका जो कोचिंग था उसमें एक बार जो है बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया था वहाँ पे, किसी बात से झगड़ा हुआ हुआ होगा और उसने जो है बॉम्ब फेंक दिया, तो उस बारे में खान सर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ये विवेक बिंद्रा सर जो है ये अपना शो चलाते हैं, उस शो में इन्होंने कुछ कहा था उस बारे में, और संदीप माहेश्वरी सर से भी इन्होंने बात की थी, तो दोनों जगह क्या बोला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपके ऊपर बम फेंके गए, बहुत तीन बम चला दिया गया, एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं, टारगेट बहुत अच्छा था।
फटा नहीं वहाँ पे, तीन तीन बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियाँ ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि दो जो कोर्स दो महीने का है अगर वो तीन महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था इवनिंग शिफ्ट का, हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहे थे आके दिखा तुम। यूट्यूब पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। खान साहब बच्चों की पिटाई करते हैं, है ना? ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास एक डंडा रहता है और वो उससे बच्चों की पिटाई करते हैं। तो इनसे पूछा गया, जब संदीप माहेश्वरी सर ने इनसे पूछा कि भाई आप बच्चों की पिटाई करते हैं, तो ये क्या कहते हैं उस बारे में, जरा सुनिए। देखिए, लड़कों को जहाँ तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है, ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप ये सच है, मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा पढ़ाई लिखाई कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला है दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है, बाद में पता चला हम पीटे हैं। अब लास्ट में सुन लीजिए, ये एक बार जो है खान सर जो है कहीं कमरा किराए पे लेने के लिए गए थे, फिर मकान मालिक ने इनसे आधार कार्ड मांगा होगा, और जैसे आधार कार्ड में इनका नाम देखा तो फिर इनको किराए पे देने से मना कर दिया। तो उनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। इसे हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता। आज भी हम आपको कहते हैं, आपको भी पता होगा जो पटना में क्लास करते होंगे, कि पैसे के प्रॉब्लम से तो कभी कोई लड़का हमारे यहाँ से गया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पैसे के प्रॉब्लम से हमारी क्लास से बाहर गया हो। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में मेरा शुरू शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, हम एक चीज आपको समझने के लिए बना दिए। तो वहाँ गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है, तो कहे ठीक है सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरा सामान वगैरह रख दिए, जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहें कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना, जिसका कोई हद नहीं, मतलब गुगला से बड़े उम्र में, इंडिया में गुगला आया था कब, ये 95-96 में आया था यहाँ पर, ओकरा हम लोग के बाद आया गुगला। हम लोग उसको 2013 में उट्टूब कहते थे, बाद में समझ में आया वो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, कोनो CBSE वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था। हमके कहाँ देख रहा था, उट्टूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं, बाद में मिला वो नोकिया वाला बटनवा वाला लोहा, तो उट्टूब बाद में देखे। रे ससुरात ने यूट्यूब ना रे, यूं करके नौकरी वोकरी लीजिए लोग, आ नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा, सब कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें की ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा, एकदम करिया भूचेंग लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम। हाँ, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।
तो ये था खान सर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एप्रिशिएट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।